दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। दोस्तों एनआईएस डीएलएड के रिवीजन सीरीज में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर कि हम कोर्स 501, 502 और 503 का रिवीजन कर रहे हैं। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, जहां से कि आप कोर्स 501, 502, 503 के बाकी वीडियोज भी देख सकते हैं। आज हम लोग कोर्स 503 के इकाई 7 का रिवीजन करेंगे, जो कि बेसिकली रिलेटेड है साहित्य और भाषा से। तो यहां पर जो मेनली बोला गया है वो भाषा शिक्षण में साहित्य की क्या भूमिका है, साहित्य बेसिकली क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं और विभिन्न विधियां क्या है जिसके द्वारा कि शिक्षण हो सकती है, उसमें साहित्य का क्या योगदान है, ये पूरी चीज हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ आप पूरी तरीके से बने रहिए। सबसे पहला जो यहाँ पर निकल के आता है वो होता है कि साहित्य को उद्देश्य के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो बेसिकली दोस्तों साहित्य को उद्देश्य के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सूचनात्मक साहित्य, इसके अंतर्गत आने वाली रचनाओं से नई नई बातों की जानकारी मिलती है, जैसे कि डिक्शनरी हो गया तो ये एक सूचना प्रदान करता है, तो ये सूचनात्मक साहित्य हो गया। अगला है विवेचनात्मक साहित्य, तो इस प्रकार की रचनाओं को पढ़कर हमारे अंदर और अधिक जानने की इच्छा पैदा होती है, क्योंकि इसमें किसी विषय पर तार्किक ढंग से और कार्य कारण संबद्धता को दर्शाते हुए चीजों को स्पष्ट किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि विज्ञान की पुस्तकें या गणित की पुस्तकें, ये सब चीजों को आप पढ़ते हैं तो उसमें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें जब आती है तो और भी ज्यादा जानने की इच्छा होती है, इसलिए इसे विवेचनात्मक साहित्य कहते हैं, क्योंकि इसमें डिस्क्राइब ज्यादा किया हुआ रहता है। अगला जो है वो है रचनात्मक एवं सृजनात्मक साहित्य, इसके अंतर्गत आने वाली रचनाओं का लेखक हमारी जाने हुई बातों को इस तरह से कहता है कि हमारे अंदर पढ़ने की ललक उत्पन्न होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई कोटेशन होता है, कोई शायरी होता है, कोई कविता होती है, तो बात इस तरीके से रखी जाती है कि उसमें आपको और ज्यादा इंटरेस्ट जग जाता है, तो ये हो गया रचनात्मक साहित्य। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि साहित्य को उद्देश्य के आधार पर 3 भाग में बांटा गया, पहला सूचनात्मक साहित्य, दूसरा विवेचनात्मक साहित्य और तीसरा रचनात्मक या सृजनात्मक साहित्य। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन यहां पर बनता है। अगला क्वेश्चन यहीं से आपका निकल के आ सकता है, जो कि काफी महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से है, वो है कि उपमा के 4 तत्व क्या है और उपमा क्या है। तो दोस्तों उपमा से तात्पर्य है कि जब किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से किसी खास गुण के आधार पर की जाती है तब उसे उपमा कहा जाता है। तो उसके 4 तत्व होते हैं। पहला होता है उपमेय, तो जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जैसे कि आप बोलते हैं कि मुख चंद्रमा के सुंदर है, तो मुख की यहां पर जो है तुलना की गई, तो इसे हम लोग यहां पर मुख को उपमेय कहेंगे। तो जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, तो मुख की तुलना की गई चंद्रमा से, तो मुख हो गया उपमेय। अगला है उपमान, जिस वस्तु से तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे यहां पे आपने लिखा कि मुख चंद्रमा से सुंदर है, तो चंद्रमा से तुलना की गई तो चंद्रमा हो गया उपमान। तीसरा है साधारण धर्म, दो वस्तुओं की तुलना करने के लिए जिस गुण का उल्लेख होता है उसे साधारण धर्म कहते हैं। जैसे अभी हमने क्या कहा, मुख चंद्रमा से सुंदर है, तो यहाँ पे सुंदर जो शब्द का यूज हुआ ये यहां पर साधारण धर्म हुआ, क्योंकि सुंदर शब्द का उपयोग किया गया है तुलना करने के लिए। अगला जो इसमें है वो है वाचक शब्द, तो उपमा और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्द को वाचक शब्द कहते हैं। जैसे कि यहां पर क्या लिखे हैं? बोले हम लोग कि मुख चंद्रमा से सुंदर है, यहां पर अगर आप लोग देखेंगे कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहां पर अगर इसमें देखे तो उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्द को वाचक शब्द कहते हैं। तो उपयुक्त शब्द में समान वाचक शब्द है, मतलब हम लोग क्या बोले कि मुख उपमा के मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ये भी कह सकते थे कि मुख चंद्रमा से ज्यादा सुंदर है या मुख चंद्रमा से कम सुंदर है। तो ये जो वर्ड है समान, कम या ज्यादा, ये चीजें यहां पर वाचक शब्द कहलाती है। ये मेरे हिसाब से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है और ये ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछा जा सकता है यहां से। अगला जो यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के आता है, जनरली ये पूछा जाता है कि आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर होता है। तो आत्मकथा का लेखक अपने जीवन के बारे में खुद लिखता है, मतलब जो लेखक लिख रहे होते हैं ये उनके पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ रहता है, उनकी पर्सनल कहानी होती है। दूसरे शब्दों में किसी व्यक्ति द्वारा लिखी गई अपनी जीवनी, अपने जीवन की कथा को आत्मकथा कहते हैं। आत्मकथा का जो हीरो होता है वो लेखक स्वयं होता है, इसमें वह अपने बीते हुए जीवन पर दृष्टि डालता है, अपने अतीत का विश्लेषण करता है। वहीं अगर जीवनी की बात करें तो जीवनी का लेखक किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखता है। मान लीजिए अभी आप महात्मा गांधी पर जीवनी लिखें
तो यहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखा जाता है, यानी कोई जब कोई किस लेखक किसी अन्य व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है तो उसे जीवनी कहते हैं। और इसका जो जीवनी का नायक होता है, जीवनी का जो हीरो होता है, वो लेखक खुद नहीं होता है, वो कोई और होता है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आता है दोस्तों, वो है कि साहित्य का इस्तेमाल करते वक्त किन किन बिंदुओं पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर चार पॉइंट हैं जिसका जिस पर कि आपको ध्यान देना आवश्यक है। पहला है अवबोध, तो यह है कि पाठ्य सामग्री की पूरी तरीके से समझ जरूरी नहीं है, बल्कि आंशिक अवबोध जरूरी है। तो जो पाठ्य सामग्री है, जरूरी नहीं कि उसकी पूरी समझ आपको हो, लेकिन आंशिक अवबोध मतलब आंशिक जानकारी उसके बारे में आपको जरूर होनी चाहिए। अगला है प्रतिक्रिया, तो बच्चे पाठ्य सामग्री पर प्रतिक्रिया दें, यह कथन के रूप में हो सकता है जो केवल हूबहू दोहराना नहीं हो, बल्कि उसे अपने मन से कहना हो। तो जो भी पढ़ाया जाता है उस पर बच्चे अपनी प्रक्रिया दें, तो ये यहाँ पर साहित्य के इस्तेमाल करने के एक प्रमुख बिंदु में आता है। अगला है सृजनात्मक, तो यहाँ पर क्रिएटिविटी के लिए, सृजन के लिए, नई नई चीजों को दिमाग में लाने के लिए मौका मिले। चौथा पॉइंट है विश्लेषण, तो शब्द विश्लेषण या याद की गई सूचनाओं का दोहराव मात्र नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चों को कारण विचार आदि ढूंढने का मौका मिलना चाहिए। तो मतलब जब भी कोई आप कुछ आप पढ़ाते हैं तो बच्चे सिर्फ उसे दोहराएं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि उससे बच्चे कैसे सीखते हैं और उसे कैसे अपने शब्दों में बताते हैं और अपने विचार उसमें डालते हैं। तो यहाँ पर साहित्य का इस्तेमाल करते समय ये चार पॉइंट हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगला जो यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के आता है वो है कि कक्षा कक्ष में विधाओं का उपयोग कैसे करें। मान लीजिए आप कहानी पढ़ाते हैं या कविता पढ़ाते हैं, तो उसे किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए ताकि यहाँ पर बच्चे को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कहानी का इस्तेमाल का देखेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ गतिविधियां दी गई है, जो गतिविधियां आप क्लासरूम में करा सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो कहानी के सार का इस्तेमाल होगा, जिसमें कि आप अपने बच्चे से यह लिखने के लिए कह सकते हैं कि आगे क्या होगा या ठीक पहले क्या हुआ था। मतलब कोई कहानी के बारे में आप बता सकते हैं कोई एक पॉइंट तक, उसके बाद आप पूछ सकते हैं कि आगे इसके बाद क्या हुआ था या उसके पहले क्या था। अगला है कि किसी पात्र के व्यक्तित्व के बारे में विद्यार्थियों को लिखने दे सकते हैं। जैसे कहानी में कोई पात्र होता है तो उसका क्या व्यक्तित्व है उसके बारे में बच्चों को लिखने दे सकते हैं। अगला है कि आप विद्यार्थी से पूछ सकते हैं कि कहानी के अमुक पात्र की जगह आप होते तो क्या करते उस समय। अगला है कि विद्यार्थी चर्चा कर सकते हैं कि उनके जीवन में भी कुछ इस तरह का हुआ था। विद्यार्थियों से दो पात्रों के बीच हुए संवाद को आधार बनाकर बिना किसी पूर्व तैयारी के नाटक खेलने को कहा जा सकता है। तो मतलब जो दो पात्र कहानी में हैं उसी पात्र को जो है बच्चों के बीच नाटक खिलवाया जाए, ये यहाँ पे कहा गया। उसके बाद शिक्षा कक्षा में कहानियाँ सुनाते हैं, पूर्व निर्धारित बिंदुओं पर कहानी कहना बंद करके विद्यार्थियों से किसी भी प्रश्न का जवाब देने के लिए कह सकते हैं। कक्षा के आधार पर जवाब की प्रकृति में अंतर हो सकता है। प्रश्नों पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया कुछ ऐसी हो सकती है, वे क्या सोच रहे हैं, यदि उनके पास भी ऐसा कोई अनुभव है तो उनके दिमाग में क्या छवि बन रही है। इससे आप बच्चे के मन को पढ़ सकते हैं कि बच्चे उस चीज को कैसे ले रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा आप बच्चे के इसके साथ जुड़ सकते हैं। अगला होता है पद्य का इस्तेमाल कैसे करें, मतलब कि कविता का इस्तेमाल करें कैसे करें, और इसके लिए आप क्या क्या काम कर सकते हैं। तो कविता में छिपी कहानियां को लिखने का कार्य विद्यार्थी को दे सकते हैं कि ये जो कविता है इससे क्या कहानी समझ में आती है, उसे बच्चों को आप लिखने के लिए कह सकते हैं। कविता में वर्णित मुद्दे या मसले पर विद्यार्थी चर्चा कर सकते हैं, और ये मुद्दे उनके जीवन से कैसे जुड़े हैं इस पर भी वो बात कर सकते हैं। अगला इसमें आप कर सकते हैं कि कविता की संरचना बदले बिना उसके अर्थ को बदलकर फिर से कविता लिखने के लिए विद्यार्थी से कह सकते हैं कि मतलब संरचना नहीं बदलना है कविता का, बस उसका अर्थ बदल देना है, तो उससे फिर कैसे उसमें क्रिएटिविटी के साथ कविता लिखा जाए, ये बात आप बोल सकते हैं। अगला पॉइंट है कि दी गई कविता की मिलती जुलती शैली में कविता लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहा जा सकता है। हालांकि यह सभी तरह तरह के पद्य के लिए संभव नहीं है, लेकिन अक्रोस्टिक्स और हाइकू मॉडल के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अक्रोस्टिक्स और हाइकू मॉडल की अगर हम लोग बात करें तो उसमें यह कहा गया कि दी गई कविता की मिलती जुलती शैली में कविता लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहा जा सकता है। तो अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि मिलती जुलती कविता की मिलती जुलती शैली में विद्यार्थियों के लिए जो है कविता लिखने के लिए कहा जाता है, तो वो किसके अंतर्गत आता है, तो आप लिख सकते हैं अक्रोस्टिक्स और हाइकू मॉडल, ये आपको ऑप्शन में रहेगा। तो ये दोस्तों यहाँ पर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो नाटक और एकांकी का इस्तेमाल करने के लिए भी बताया गया है, और कक्षा कक्षों के समस्याओं का सामना करने के लिए बताया गया है कि बेसिकली जब आप कक्षा कक्ष में होते हैं तो आपको कई तरीके की समस्या आती है विद्यार्थी के बीच में, उसमें आप किस प्रकार से उसका सामना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप जब बच्चों के बीच कोई डिस्कशन करवा रहे हैं या कोई बच्चों के बीच नाटक करवा रहे हैं या बच्चों के बीच किसी भी तरीके की एक्टिविटी
एक्टिविटी करवा रहे हैं, तो उसमें जो सामना होता है, जैसे कि मान लीजिए कुछ बच्चे अगर बहुत कुछ अच्छे बच्चे हैं, यानी कि ज़्यादा तेज बच्चे हैं, कुछ कम तेज बच्चे हैं, तो कम तेज बच्चों वालों को भी हीनता फील ना हो, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जो आप पढ़वा रहे हैं, जो करवा रहे हैं, उसमें अनियमितता ना आए, इस चीज़ का भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ऐसी तरह तरह की चीज़ें हैं जिससे आप कक्षा कक्षे की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, और ये सामना करने के बाद आपको उसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है कि इसका कैसे समाधान करना है। तो पहले से अगर पूर्व तैयारी के आधार पर आप जाएंगे तो कक्षा कक्ष में समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये सब दोस्तों यहाँ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे में आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, वहां से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन आएगा, उसे दबा देंगे तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय, जय हिंद।